कौनैन की तखलीक का मौला तो सबब है। कौनैन की तखलीक का मौला तो सबब है। इस्लाम का मफहूम तेरे दर का अदब है। ताहा से आया है तेरी सीरत का कसीदा। कुरान में यासीन तेरा नाम व नसब है। वल फज्र का मतलब तेरे चेहरे की तिलावत। वल लैल तो मौला तेरी जुल्फों का लकब है। हुजूर आए तो सिर्रे आफरीनश पा गई दुनिया। हुजूर आए तो सिर्रे आफरीनश पा गई दुनिया। अंधेरों से निकलकर रोशनी में आ गई दुनिया। सूखे चेहरों का जंग उतरा, बुझे चेहरों पे नूर आया। हुजूर आए तो इंसानों को जीने का शऊर आया। सूखे चेहरों का जंग उतरा, बुझे चेहरों पे नूर आया। हुजूर आए तो इंसानों को जीने का शऊर आया। अच्छा लग रहा है आप लोगों को? जी हाँ, तो उठाकर बताइए कितने हजरात को अच्छा नहीं लग रहा है? अल्लाहू अकबर। अब जितने हजरात को अच्छा लग रहा है दोनों हाथों को उठाइए। बहुत बेवकूफ बनाते हैं आप लोग। अब कहिए मतलब के सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह। बेदारी के साथ सुने सुने, है कि नहीं? ताकि मुझे भी शायरी पढ़ने में अच्छे में जो है बेहतरीन मजा मिले, है कि नहीं? है कि नहीं? ऐसा होता है, आप लोग अगर अच्छे अंदाज में सुनेंगे, कसम खुदा की ऐसा ऐसा शेर सुनाकर जाऊंगा जो आज कल परसों नहीं बल्कि बरसों याद रखेंगे आप। लेकिन शर्त यह कि मोहब्बत के साथ सुनेंगे, तब आप लोग फिट रहें ताकि मैं भी फिट रहूं। उसके बाद इंशाल्लाह आज ऐसा गिफ्ट दूंगा जो आपके दिलो दिमाग में जाके शिफ्ट हो जाएगा। उसके बाद ये मदरसा हनफिया का प्रोग्राम इंशाल्लाह हिट हो जाएगा। तो हिट करेंगे ना हम लोग? जी करेंगे। कहिए सुभान अल्लाह। थोड़ा सा चाचा थोड़ा आगे बढ़ जाए, बीच में जो जगह खाली उसको पूर कर लीजिए। आप ही से कह रहे हैं, आगे जा, आगे आ जाए, आगे आ जाए, माशाल्लाह माशाल्लाह। आ जाओ बाबू, आगे बढ़ जाओ, बढ़ जाओ। पीछे वाले आगे कर दीजिए, बीच में जो जगह खाली उसको पूर कर लीजिए। जी जी, अगर कोई खूबसूरत इंसान हो उसको चेचक निकल जाए तो बताइए कितना बेकार लगता है, है कि नहीं? चेहरे पे अगर चेचक का दाग निकल जाए तो बेकार लगता है कि नहीं? नबी की महफिल, इतना खूबसूरत महफिल में हम लोग बैठे हुए हैं और थोड़ा सा चेचक बना हुआ थोड़ा इसको अगर अच्छे अंदाज में हम लोग कर लेंगे, वो उधर जो खाली है जो लोग खड़े उनसे गुजारिश, उधर बैठ जाए, बाद में 15-20 मिनट के बाद शायद आपको वो भी जगह न मिले। इसलिए आपसे गुजारिश है जल्द अज जल्द पिंडाल में बैठ जाए ताकि अच्छे अंदाज में शोरा को समाप्त कर सकते हैं, खुतबा को समाप्त कर सकते हैं और नुकबा को समाप्त कर सकते हैं। कि बसद खलूस बसद एहतराम बैठे हैं, बसद खलूस बसद एहतराम बैठे हैं, नबी के बज़्म में नबी के गुलाम बैठे हैं और ये दीदारे मजमा मुझे भा गया है। अकीदत का मुझ पे नशा छा गया है और मोहब्बत में सबने जो आवाज दी तो नेमतुल्लाह रहमानी यहाँ आ गया है। मोहब्बत में सबने जो आवाज दी तो नेमतुल्लाह रहमानी यहाँ आ गया है। माशाल्लाह आपकी समाते बहुत बेदार है, इसी अंदाज में आप हजरा सुनते रहें। अब आइए आज की इस स्टेज पर मुल्क हिंदुस्तान की चुनिंदा आवाजें, मोहतरम आवाजें, मुस्तनद आवाजें, जलवागर है जो शायर इंकलाब के हवाले से, तारीख के हवाले से, मुजाहिदाना तेवर के हवाले से, पूरे मुल्क हिंदुस्तान के मुशायरे और जलसे वालों की जुबान पर एक नाम आता है जिसे दुनिया इस वक्त आली जनाब हजरत मौलाना आबिद हुसैन साहब अल कासमी नीमवी के नाम से जानती है। आइए उनकी दहलीज पहुंचने की कोशिश करता हूँ और उनसे मुअद्दबाना मुल्तमिस हूँ कि माइक पर आए और अपने कलाम से हम सामईन को नवाजे। इस शेर के साथ उनका इस्तकबाल के शोर और तिश्नगी को आम कर दो। धीरे से कहिए सुभान अल्लाह। वाह वाह, हरदिया वाले धीरे का मतलब धीरे समझते हैं। थोड़ा सा आप लोग कहिए धीरे से सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। अब थोड़ा और धीरे से कहिए सुभान अल्लाह। जी जी, इतने धीरे से बोले कि बगल वाले सुन न पाए, है कि नहीं? है कि नहीं? ताकि आपकी आवाज कोई सुन ले, इतनी खूबसूरत आवाज बताइए तो अच्छे अंदाज में कि शोर और तिश्नगी को आम कर दो। मैंने ये कब कहा कि मेरा जाम भर दो और इतनी तरन्नुम का क्या करोगे ए आबिद, कुछ तो पब्लिक के नाम कर दो। सबसे पहले हजरत जनाब मौलाना मुश्ताक साहब का शुक्रगुजार हूं, उन्होंने
हम जैसे हकीर को मौका दिया। आइए बिला ताखीर, चूंकि फेरिस्त बड़ी लंबी है, मुख्तसर सर चूंकि आप तो हमारा सुनते ही रहते हैं, आने वाले जो मेहमान शायर हैं उनको सुनना है। एक मर्तबा दरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व आलिहि व सल्लम कमा तुहिब्बु तरज़ा अदा मा तुहिब्बु तरज़ा। आइए सीधा सीधा नाते पाक का मतलब हज भरता हुआ लफ्ज करें करें नवाजिश के हे नबी बरहक सभी पर आप सा कोई नहीं। समझ में अगर आ जाए तो सुभान अल्लाह कहिएगा कि हे नबी बरहक सभी पर आप सा कोई नहीं है। नबी बरहक सभी पर आप सा सभी पर आप सा कोई नहीं। और दादा भी शेर बतौर खास मुलाहिज़ा कर ले अता करें नवाज़िश के साथ अक़दस की सना खानी खुदा ने यूं किया के साथ अक़दस की सना खानी खुदा ने यूं किया दस की सना खानी खुदा ने किया के मुस्तफा तेरे पर सभी पर आप सा कोई नहीं। एक मतबा दोनों हाथों को उठा कर दे सुभान अल्लाह। और इंशाअल्लाह ये शेर अगर पसंद आ जाए तो आप लोग जबरदस्त दुआओं से नवाजिएगा। शेर देखिएगा आता करें नबी बरह सभी पर आप सा कोई नहीं। नजर जलसा जनाब मौलाना मुनतुल्लाह रहमानी साहब बतौर खास मुलाहिज़ा कर ले हर गुलों से घूम कर कहे चली बाते सबा हर गुलों से झूम कर कहे चली बाते सबा के सभी पर आप सा कोई नहीं। और ये भी शेर बतौर खास मुलाहिज़ा करेंगे कि हुस्न यूसुफ की शहादत दे रहा कुरान है। हुस्न यूसुफ की शहादत दे रहा कुरान है। सभी पर आप सा कोई नहीं।
नहीं। आइए एक जबरदस्त शेर पढ़ता हूँ, मदरसों के हवाले से एक दो मुजज़ा को बयान करता हूँ। भला ऐसा करे अता है नबी बरहक सभी पर आप सा कोई नहीं। चांद पारा हो गया और सीने में बसा, चांद पारा हो गया और सीने में बसा, चांद पारा हो गया और सीने में बसा। इस